एमओ क्या कर रहा है, क्या रिपोर्ट दे रहा है? आपका दिसंबर का राशन रिलीज आपका दुकान में राशन चाहिए? हम यही बात बोलना चाहेंगे, हमारा ना उठा वाला ना, तो हमारा ना उठा वाला तो हम हिटअप पर गोड़ हमारा फ्रैक्चर हो बा, तो हम कैसे वहाँ जाए? हम लोग का गाड़ी सब साथ है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जांच पड़ताल के नाम पर खेल रहे हैं लुका छिपी का खेल। मेराल से मुजब्बिल अंसारी की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह विकास प्रखंड पदाधिकारी द्वारा पैसों की उगाही के लिए डीलरों को निलंबित किया जा रहा है। इस संबंध में आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले ओखरगाड़ा पूर्वी पंचायत के परसही के डीलर चांदनी महिला समूह पर आरोप लगे थे कि राशन का कालाबाजारी, तो वहां के कुछ स्थानीय लोगों को लिखित आवेदन के आधार पर डीलर को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन प्राप्त सूत्रों से पता चला है कि उसमें जो कार्डधारियों को जो हस्ताक्षर थे आधे से अधिक फर्जी थे, ये जाँच का विषय था। और डीलर चांदनी महिला समूह के 60% कार्डधारियों का कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जो निलंबित किया गया है वह गलत है, उन्हें जांच पड़ताल करके ग्रामीणों की प्रक्रिया लेनी चाहिए थी। इसके बाद अगर डीलर को निलंबित कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी हम लोगों को, लेकिन यहाँ पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अपनी जेब भरने के लिए हम लोगों को अंधेरे में रखकर डीलर को निलंबित किया गया है। अगर ये लोग गरीबों के हक की बात करते हैं तो ममता महिला समूह के द्वारा राशन कटौती किया जा रहा है, उसे क्यों नहीं निलंबित कर रहे हैं? उन पर जो भी राशन का गमन का आरोप लग रहे हैं, क्यों नहीं ममता महिला समूह डीलर को निलंबित किया जा रहा है? लोगों का यह आरोप भी है कि चांदनी महिला समूह को निलंबित करने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा प्रखंड आपूर्ति सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को ममता महिला समूह के द्वारा पैसे दिए गए हैं। लोगों का यह भी आरोप है कि जब दिसंबर माह का राशन किसी डीलर के पास नहीं मिला है तो ममता महिला समूह कैसे बांट रही है, तथा जब दिसंबर माह राशन का उठाव चांदनी महिला समूह का है तो ममता महिला समूह कैसे बांट रही है, इसकी सत्यता से जांच होनी चाहिए। जिला तथा प्रखंड में बैठे सारे अधिकारियों भ्रष्टाचारियों के साथ दे रहे हैं। जो डीलर नियमित रूप से राशन का वितरण कर रहा है उसे निलंबित किया जा रहा है, तथा राशन में कालाबाजारी कर अधिकारियों को जेब भरा जा रहा है उसे संरक्षण दिया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा जांच करने एसजीएम सतीश सर को भेजा जाना था, तो हम सब ग्रामीण एक जगह इकट्ठा हुए तो जांच के लिए क्यों नहीं उन्हें भेजा गया? जांच पड़ताल के नाम पर अधिकारी लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को जिला में या प्रखंड में कोई भी हो उन्हें पदमुक्त कर दूसरा अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए। धन्यवाद।